तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता, शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रियोग संहारिके, नमहु त्रियोग संहारिके। दौलत राम जी द्वारा लिखित यह है छहड़ाला नामक ग्रंथ है, और इस महान छहड़ाला ग्रंथ के संदर्भ में हम धीरे धीरे छठी ढाल के अंत में समापन की ओर पहुंच गए हैं। थोड़ी बहुत चर्चा आज आपके बीच में हम करेंगे सिद्ध भगवान के संदर्भ में, मोक्ष दशा के संदर्भ में। आज हमारा एक बड़े कार्यक्रम का समापन समारोह भी चल रहा है, इसलिए बहुत देर तो हम चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ी देर एक छंद के बारे में हम यहाँ जरूर चर्चा करते हैं। कल विशेष चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, 15-20 मिनट चर्चा कर लेते हैं। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, एक ये छठी ढाल और 13वें छंद की चर्चा चल रही है, मोक्ष दशा का वर्णन प्रकरण चल रहा है। सिद्ध दशा की चर्चा हो गई, मुनि अवस्था से भूमिका अनुसार बढ़ते 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 अरहंत दशा और फिर सिद्ध दशा तक पहुंच गए। सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, उन सिद्ध भगवान का क्या स्वरूप है, इस स्वरूप की चर्चा हम अपेक्षित विस्तार से कल तक आपके बीच में कर चुके हैं। आज इसी प्रसंग को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे। जो सिद्ध अवस्था प्रत्येक जीव का लक्ष्य है, जो सिद्ध अवस्था प्रत्येक जीव का प्राप्तव्य है, जो सिद्ध अवस्था इस जीव का अंतिम और चरम लक्ष्य है, जिसके बाद में सब खत्म माने फिर करना कुछ बाकी नहीं रहा, उसका नाम सिद्ध दशा। सिद्ध दशा एक बार प्रकट हो जावे तो फिर किसी तरह की तकलीफ नहीं होती, सर्व प्रकार के दुखों का अंत जिस अवस्था में हो जाता है उस अवस्था का नाम है सिद्ध दशा। हम यहां 13 नंबर के छंद को पढ़ते हैं, थोड़ी चर्चा करेंगे। धीरे धीरे बोले, निज माही लोक अलोक गुण पर जाए प्रतिबिंबित जाए, रही है अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परिणय, धनी धन्य है जे जीव नर भव पाए तिन ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। ओह क्या कह रहे हैं भाई, सिद्ध बन गए, कुछ काम धाम है या नहीं सिद्धों को? ये नहीं नहीं साहब, वे सिद्ध भगवान तो कृत कृत्य हो गए हैं, अब सिद्ध भगवान के पास में कोई काम नहीं बचा है, तो काम नहीं बचा है तो ठाले बैठे बैठे उनका मन कैसे लगता होगा? मन लगता है या नहीं सिद्ध भगवान का? वापस लौट कर आने की फैसिलिटी नहीं है, कल हमने ऐसी बातें कही थी आपसे। हो सकता है आप ऐसा महसूस करें कि यार इससे अच्छा तो जाओ ही नहीं, क्योंकि वहां चले जाएंगे और लौट के आ नहीं पाएंगे, और मन नहीं लगा तो। और एक समस्या ये भी तो है ना कि जो गए हैं वो लौट करके आए नहीं है, हम किसी से पूछ नहीं सकते वहां का माहौल कैसा है। आखिर सिद्ध दशा में क्या वातावरण है, सिद्धों की परिस्थिति कैसी है, सिद्ध दशा में आनंद है? जैसे मान लो आप, वो जो गया था ना यहाँ से मलेशिया एयरलाइन का विमान, बरमूडा ट्रायंगल के अंदर जो लोग गायब हो गए चले गए, अब वो लौट करके ही नहीं आए, तो वो दुखी हैं, सुखी हैं, आनंद में हैं, तकलीफ में हैं, क्या परिस्थितियां हैं, ये तो उनमें से कोई व्यक्ति मिले तो बताए। अब हमें क्या पता सिद्ध भगवान की क्या स्थिति है, तो आप ऐसा नहीं हो कि हम ऊपर जाकर के टक जाएं और फिर वापस लौट करके आने का चांस नहीं मिले और मुसीबत में फंस जाएं हम। भाई यहां कह रहे हैं सुनो, वो करते क्या है, सारे लोकालोक को जानने का काम स्वयमेव होता है,
जानते हैं अपने आत्मा को और दिखता है सारा लोकालोक। समझ में आ रही है बात? निज माही माने अपने में लोकालोक और गुण पर जाए प्रतिबिंबित थे। अपने आत्मा में ही, अपने में ही लोक और अलोक दोनों दिखने लगे। आत्मा में लोक भी दिखेगा और आत्मा में अलोक भी दिखेगा, दोनों प्रकार दिख रहे हैं। अकेला लोक नहीं, लोक और अलोक। देखो भाई, जब भी हम सर्वज्ञता की चर्चा करते हैं, मैं नॉर्मली लोगों से जब परिभाषा पूछता हूँ तो लोग कहते हैं जो तीन लोक तीन काल की सब बातों को जानते हो वे सर्वज्ञ हैं। तीन लोक की बातों को जानते हो, तीन काल की बातों को जानते हो, लेकिन ये अधूरी परिभाषाएं। आचार्यों ने जहां जहां लोग सर्वज्ञता की व्याख्या की है, संपूर्ण जगत को जानने की बात कही है, वहां उन्होंने एकमात्र यह कहा है लोक अलोक, लोक अलोक। पता नहीं क्यों हम लोग परिभाषा बनाते समय अलोक को भूल जाते हैं। तो निज माही लोक अलोक और गुण पर्याय, गुण भी और पर्याय भी प्रतिबिंबित थे, प्रतिबिंबित हो रहे हैं। इसका मतलब जैसे मिरर लगा है, दर्पण लगा है और सामने के पदार्थ दर्पण में झलक रहे हैं, झलकने वाले जितने भी पदार्थ हैं उनको झलकाने के लिए दर्पण को विकल्प नहीं है, दर्पण के माथे पर वजन नहीं है। ये कह रहे हैं प्रतिबिंबित थे, लोक अलोक भी झलक रहे हैं, उनके गुण भी झलक रहे हैं, उनकी पर्याय भी झलक। ये कहा था सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, सकल द्रव्य के सारे गुण उनकी पर्याय अनंत, जाने एक ही काल प्रकट केवली भगवंता। ये अनंतों के स्वरूप में कही थी, ये तीसरी ढाल में चर्चा थी। यहां छठी ढाल में वापस वही बात कह रहे हैं, गुण झलक रहे हैं। भाई साहब आप सोचो तो सही, लोक अलोक झलक रहा है, हम लोग यहां बैठे हैं ये झलक रहे हैं। कि दूसरी लाइन में क्या कहा, रही है अनंतानंत काल यथा तथा शिव परिणय। क्या नेट का इशू भी आ रहा है, थोड़ा सा ऐसा लग रहा है इशू, सामने मैसेज भी आ रहे हैं लोगों के। रही है अनंतानंत काल, कब तक रहेंगे सिद्ध दशा में, कब तक रहेंगे वे? एक बार सिद्ध दशा प्रकट हो गई, अब वहां कब तक रहेंगे? 5 दिन, 15 दिन, 25 साल, 500 साल, 5000 वर्ष, 5 करोड़ वर्ष, कितने टाइम के लिए रहेंगे? ये सब जितनी आयु होगी, अरे आयु तो है ही नहीं, आयु तो है ही नहीं। इसका मतलब एक बार जिस अवस्था की प्राप्ति हो गई, अब अनंत 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 काल तक बस सिद्ध दशा, सिद्ध दशा, सिद्ध दशा, सिद्ध दशा, सिद्ध दशा, बस आनंद का उपभोग करते रहते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं है, लोकालोक ज्ञान का विषय बनते हैं। ऐसी दशा का नाम है सिद्ध दशा। रही है अनंतानंत काल यथा तथा, यथा तथा माने जैसे के तैसे, यथा तथा शिव परिणय, जैसे मोक्ष अवस्था रूप में परिणमित हुए हैं वैसे के वैसे उस अवस्था में सदा काल बने रहेंगे, यथा तथा शिव परिणय। फिर क्या कह रहे हैं, अब अप्रेरणा आ गई थोड़ी सी, क्या थोड़ा उपदेशात्मक शैली में बात हो गई, मोक्ष दशा के बारे में कह दिया, अनंत सुख के बारे में कह दिया, सिद्धों के सुख की झलक बतलाई थी मैंने एक दिन आपको, इंद्रियजन्य सुख नहीं है, भोगों का सुख नहीं है, खाने पीने का सुख नहीं है, बाह्य विषयों का आनंद नहीं है, उन सिद्ध भगवान का आनंद ऐसा आनंद है, ऐसा आनंद है, ऐसा आनंद है उन सिद्ध भगवान का आनंद, जो आनंद जगत में किसी भी आनंद की तुलना नहीं कर सकता। मात्रा भी अनंत है और उपमा भी किसी और से नहीं दी जा सकती है, ऐसी स्थिति है सिद्ध परमात्मा की। अनंत अनंत काल तक बस उसी अवस्था में यथा तथा जैसे के तैसे शिव परिणय मोक्ष अवस्था रूप से परिणमित होकर के विराजमान रहने वाले हैं। धन धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कारज किया।
अनादि ब्राह्मण पंच प्रकार तजीवर सुख लिया। ओ धन्य है वे जीव, भाग्यशाली है वे जीव जिनका मेरिट में नंबर आ गया। नहीं नहीं नहीं, भाग्यशाली है वे जीव जिनकी न्यूज़पेपर में फोटो छप गई, वो भाग्यशाली है। सबकी छपेगी, तुम्हारी तमन्ना रहती है ना यार, मेरी फोटो छप जाती यार, काश मेरी फोटो छप जाती, एक दिन छपेगी क्या, सब देखेंगे लेकिन बस तुम नहीं होंगे देखने वाले। उठावने की फोटो, बैठक की फोटो, बोलो छपेगी कि नहीं छपेगी। अरे ये कोई बड़ी चीज नहीं है, इसमें कोई दम नहीं है। ये कह रहे हैं धन्य है वे जीव जिन्होंने मनुष्य जन्म प्राप्त करके वो काम कर लिया है। मनुष्य जीवन की सार्थकता सिद्ध अवस्था की प्राप्ति के लिए है भाई साहब। ये मनुष्य जन्म एक ऐसा जन्म है जिससे निर्वाण की प्राप्ति हो सकती है। त्रियंच निर्वाण में नहीं जा सकते, देवगति के जीव मोक्ष की प्राप्ति नहीं कर सकते, नर की जीवों को मोक्ष जाने का चांस नहीं है। नरभाव पाकर के जिन्होंने ये काम कर लिया, सफल कर लिया मनुष्य जन्म, मनुष्य जन्म की सफलता संयम पूर्वक साधना की चरम अवस्था को प्राप्त करने में है। मनुष्य जन्म की सार्थकता सम्यक दर्शन मात्र की प्राप्ति में नहीं है। 2-5 करोड़ रुपया कमा लिया, इसमें मनुष्य जन्म की सार्थकता नहीं है। सफल हो गए साहब, 2-5 करोड़ रुपया कमा लिया, ये कर लिया, इतना बड़ा बंगला बना लिया, ये सुविधाएं हो गई, 2-5 बच्चे हो गए, बहुएं आ गई, पोते पोती खेल रहे हैं, अरे सब सफल है, और क्या करेंगे साहब, इससे ज्यादा और क्या कर सकते हैं बोलो। सुनो भाई, यहाँ कुछ और कह रहे हैं, यहाँ क्या कह रहे हैं, धनी धन्य है जीव, धन्य है वे जीव जिन्होंने मनुष्य जन्म प्राप्त करके नरभव पाए यह कार्य किया। कौन सा कार्य किया, कौन सा काम किया मनुष्य जन्म प्राप्त करके, कह रहे तिन ही अनादि भ्रमण, उन्होंने अनादि काल का जो परिभ्रमण चला आ रहा था, जो संसार की श्रृंखला चली आ रही थी, जो संसार परिभ्रमण में जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण जन्म मरण का जो फेरा लगा हुआ था, जिसमें सच में दुख था। आप जिन दुखों की दास्ताएं गाते हो, ये कोई दुख नहीं है। आप कह रहे बच्चे कहना नहीं मान रहे, आप कह रहे उन्होंने पलट करके सामने जवाब दे दिया, आप कह रहे हो सर्वेंट नहीं है, आप कह रहे हो झाड़ू पोछा वाला नहीं है, आप कह रहे हो इसका क्या होगा, सर दर्द हो रहा है, पेट दर्द हो रहा है, मेरी तो कमर बहुत दर्द कर रही है, आप कह रहे हो गाड़ी स्टार्ट नहीं, ये तुम्हारी समस्याएं हैं ना, ये कुछ प्रॉब्लम नहीं। असली प्रॉब्लम जो जन्म मरण की प्रॉब्लम है, जो जन्म मरण तूने इतने लंबे समय से किया है और कर रहा है, दर दर की ठोकरें खाता रहा इस संसार दशा में, कभी एकेंद्री बनके, कभी 2 इंद्री बनके, कभी 5 इंद्री बनके, कभी निगोदिया बनकर के, कभी नारकी बनकर के, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली और न मालूम किन किन पर्यायों को धारण करके तूने इन अवस्थाओं को धारण किया है। तो यहां कहना चाह रहे हैं दौलत राम जी साहब, सुन, भाग्यशालीपन का लक्षण है कि तू मनुष्य जन्म प्राप्त करके मनुष्य जन्म को सफल और सार्थक करने का प्रयत्न करे, इसमें सार्थकता है। तिन ही किनको कह रहे हैं, धन्य है भाई, धन्य है आप तो, बहुत धन्य है, ऐसा बेटा है आपका, धन्य है आप तो यार, आपका बेटा गजब किया है ना यार इसने, धन्य है आप। किन किन बातों में आप किन किन को धन्य कहते रहते हैं, ये कह रहे हैं यहां पर, तिन ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार। ओहो, पंच प्रकार व्याख्या करो, इन पंच प्रकार की तो महीनों चाहिए व्याख्या करने के लिए, महीनों में हो इस तरह की व्याख्या, ये पंच प्रकार की व्याख्या। थोड़ा हिंट मैंने आपको दिया था संसार अनुप्रेक्षा की चर्चा करते समय 5वीं ढाल के 5वें छंद में, याद आता है क्या, चाहूं गति दुख जीव भरे हैं, परिवर्तन पंच करे हैं, सब विधि संसार असारा, या में सुख नाही लगारा। क्या कह रहे हैं भाई साहब, सुनो, नरभव पाकर के ये काम कर लिया, तिन ही अनादि भ्रमण परिवर्तन, कितना, पंच प्रकार का परिभ्रमण, पुद्गल परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन, भाव परावर्तन। अरे नाम ही इनके इतने खतरनाक हैं, इनके स्वरूप की चर्चा करने पर रोंगटे खड़े होते हैं, ऐसी दशा है।
किसका नाम है ये पंच परावर्तन। एक एक परावर्तन पूरा होने में अनंत अनंत काल बीत जाता है। एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर बीत जाते हैं, इतना बड़ा होता है पुद्गल परावर्तन का काल। ये पंच परावर्तन अनंत बार किए हैं इस जीव ने। अनादि भ्रमण पंच प्रकार तजी तज दिया है, पंच प्रकार के परावर्तनों को जिन्होंने छोड़ दिया है, पंच परावर्तनों से जो सदा सदा के लिए मुक्त हो गए हैं वे भाग्यशाली हैं। आज पैसा कमाया और करोड़ पर आ गया, करोड़ों अरबों की संपत्ति को इकट्ठा किया और यहां से ट्रांसफर हो गया और दूसरी जगह फिर मनुष्य जन्म मिला नहीं, तिरंचों में चला गया, नरक में चला गया, दो चार इंद्रियों में घूमता फिरा, और यदि कदाचित मनुष्य भी बन गया तो फिर दोबारा ABCD से दोबारा धन कमाना शुरू किया। बोलो, यहां तो 2-500 करोड़ कमा करके छोड़ करके चला गया था, अब दोबारा जन्म मिल गया तो दोबारा फिर वही जोड़ने जोड़ने लगा रहा। बोलो, फिर 100-200-500 करोड़ जोड़ करके इकट्ठा करेगा और फिर ट्रांसफर, चलो अब दूसरों के लिए कमाना फिर शुरू करो दूसरी जगह जाकर के। मजदूरी करता रहा, मजदूरी करता रहा अनादि काल से आज तक। ये पंच प्रकार के परिवर्तनों को तज कर वर सुख जिन्होंने लिया है, धन्य है वे जीव। उत्कृष्ट सुख की प्राप्ति जिन्होंने की है, धन्य है वे जीव। उन्हें भाग्यशाली कहकर के पुकार रहे हैं। दिल पर हाथ रख करके सोचना हमें कहां कहां भाग्य नजर आता है। या तो सिद्ध भगवान धनी धन्य, धनी धन्य, अरे धन्य में भी धन्य है, वो तो धनवान है वो तो, वे सिद्ध भगवान जिनका ये कार्य हो गया है। यहां कह रहे हैं भाई साहब, पंच प्रकार के परावर्तनों को जिन्होंने छोड़ दिया है उन जैसा भाग्यशाली सिद्ध भगवान जैसा कोई और नहीं है। दूसरे नंबर पर यदि हम किसी भाग्यशाली की बात कहें तो हम पता है क्या कह सकते हैं आपसे, अरंत भगवान। और थोड़ा सा नीचे उतरे तो हम कहेंगे आचार्य उपाध्याय और साधु, वे सब भाग्यशाली हैं। और थोड़ा सा नीचे उतरे तो पंचम गुणस्थानवर्ती भाग्यशाली हैं। और यदि नीचे उतरे तो चौथे गुणस्थानवर्ती भाग्यशाली हैं। और यदि नीचे उतरे तो और कितना नीचे उतरोगे, इसके नीचे तो सब अभागे हैं क्या। चौथे से नीचे वालों को भाग्यशाली क्या कहें, कितना कमाओ, कितने पद पर पहुंच जाओ, कितनी प्रतिष्ठा पर पहुंच जाओ, क्योंकि तुमने जिस पद की प्राप्ति की है वो पद और प्रतिष्ठा थोड़े समय में तुमसे छीन ली जाएगी। भाग्यशाली वे हैं, सुनो, जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है ना वो व्यक्ति उतना ऊपर विराजमान करते हैं उसको। ये सिद्ध भगवान ने जिस अवस्था की प्राप्ति की है ये लोक के शिखर पर जाकर के विराजमान हो गए, सबसे ऊपर, इनसे ऊपर अब दुनिया में कोई नहीं, इतने ऊपर अवस्था की प्राप्ति कर ली है ये सिद्ध भगवान। इसलिए पांच प्रकार के परावर्तन, तीन ही अनादि भ्रमण, पंच प्रकार, पांच प्रकार के परावर्तनों को तज कर माने छोड़कर वर सुख लिया, उत्तम सुख की प्राप्ति इन सिद्ध भगवान ने यहां की है। ऐसे धन्य है ये जीव। अब दौलत राम जी आगामी छंद में जो बात कह रहे हैं, आत्महित की प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई तुम भी अपना हित कर लो, इसकी मार्मिक चर्चा हम कल करेंगे। आज हमारा आरंभ पाठशाला का एक बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, समापन समारोह का, PTST चैनल पर, आप लोग वहां उस कार्यक्रम का लाभ लेवें। जय जय श्री।